रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के नेशनल सेमिनार का करेंगे उद्घाटन। डीआरडीओ ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के 15 घंटे चली छापेमारी, 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कम बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सूखा जैसे हालात, सीएम योगी करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का दावा, बैटिंग ऑर्डर नहीं बदला तो राहुल पूरी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे एक भी गेंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी, जिसमें मां मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में 2 की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और दम घुटने की वजह से 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े। बांके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी, तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अतः भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है, तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी, धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया, काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल, वो सब ठीक है। हम फरीदाबाद से 4-5 लोग आए थे, तो 4 नंबर गेट पे गुसाइन जी का बैठने का आसन है, वहाँ पे हम बैठे रहे थे 1 बजे तक। वहाँ से हम 5 नंबर गेट है उधर की तरफ निकले थे, जब पौने 2 के करीब गेट खुला तो वहाँ से हमने एंट्री की थी अंदर की साइड में जाने के लिए। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से भीड़ आई थी, इधर से 5 नंबर से भीड़ आई थी। तो हमारे साथ में जो 4-5 लोग थे, जो भीड़ के बचाव में आके फंस गए, घबरा गए, बहुत से लोग नीचे भी गिर गए। हमारे साथ मौजूद है मथुरा से हमारे संवाददाता धनीराम। धनीराम, मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक बड़ा जनसैलाब, एक बड़ा श्रद्धालुओं का मौजूद थे वहां पर और एक भगदड़ हुई है। ये हादसा, जो ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कहां चूक रह गई? जन्मोत्सव पर्व को मनाने के लिए मथुरा ब्रज क्षेत्र में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और एक जन्माष्टमी यहाँ ब्रज क्षेत्र का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हर कोई भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहता है और अपने आप को सौभाग्यवाली मांगता है। साथ ही जो लोग मथुरा वृंदावन आते हैं वो बिहारी जी के दर्शन भी जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं और आसपास के जो मंदिर है उनमें भी वो दर्शन करते हैं। अपार भीड़ होती है, प्रशासन और प्रबंधन पूरे इंतजाम करता है, परंतु कहीं ना कहीं इसमें चूक अक्सर होती रहती है। पहले भी ऐसे भी कई बार ऐसे मामले आए हैं कि पहले भी बिहारी मंदिर में एक बार पहले ही भगदड़ हुई थी, उसमें भी कई श्रद्धालु घायल हुए थे, फिर वही स्थिति अब दोबारा हुई कि मंगला आरती के टाइम पर रात को 12 बजे और वहाँ भीड़ का इतना दबाव हो गया कि वहाँ लोगों का दम घुटने लगा श्रद्धालु। ये प्रशासन और प्रबंधन ये समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार ये उत्साह है या लोगों का घुटन। इसके चलते हुए वहाँ अफरा तफरी मची और अफरा तफरी
एक तरफ तो उल्लास होता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है और सभी ध्वनि होती है, शंख घड़ियाल उन सब की ध्वनि के अंदर जयकारे होते हैं, जय कन्या लाल की, हाथीघोड़ा पाल की। उत्साह के बीच बीच लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिरकार हो क्या रहा है, और भीड़ का दबाव इतना रहा कि वहां भगदड़ मच गई। सबसे बड़ी बात ये है कि बिहारी जी का जो मंदिर है वो छोटी गलियों में होता है, और ऐसा स्थिति होती है कि वहां एक रास्ता से निकालते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, घुसाते हैं, परंतु फिर भी श्रद्धालु हर कोई चाहता है कि भगवान के आगे वो अपना नतमस्तक करे और अपनी हाजिरी वहां लगाए। वहां जिस तरीके से व्यवस्था की जाती है, हालांकि प्रशासन और प्रबंधन दावा करता है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं, उसके बावजूद भी यह घटना हो जाती है, ये बड़े ही दुखनीय है। आपको बता दूं कि देखो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, और स्थिति ऐसी होती है कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जिस टाइम 12 बजे उस टाइम अधिक श्रद्धालुओं की पांडाल में संख्या बढ़ गई थी, उस संख्या को देखते हुए वहाँ बहुत लोग का पहले दम घोटा, उन्होंने पहले इस हादसे को सबक लेते हुए उन्होंने जो कृष्ण जन्मभूमि है उसमें बंद रास्ता कर दिया और वहाँ श्रद्धालुओं को ठहरने देते हैं। परंतु वहाँ जो बिहारी जी का मंदिर है उसमें जगह है और वहाँ श्रद्धालु एक तरफ रुक जाते हैं, और जिस तरह हुए वहाँ दबाव इतना हो जाता है कि इस तरह का ये हादसे का हुआ। धनीराम, हमें जानना चाहूंगा कि ये पुलिस प्रशासन की ओर से आपने अगर बात की तो चू को लेकर बताया गया, उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा है? जी, उन्होंने ये बताया है कि अभी एसएसपी साहब ने बताया है और प्रबंधन ने भी कहा है कि जो वहां भीड़ का जो दबाव था उसकी वजह से ये हादसा हुआ, और हर कोई, मैंने बताया कि हर कोई ये चाहता है कि भगवान कृष्ण के सामने मैं अपनी हाजिरी दर्ज करूं और 2 मिनट का वहां पर रुक करके उनको निहारूं। सबसे बड़ी चूक यही रही कि वहां से जो रास्ता था वो दोनों तरफ के रास्तों से एकदम भीड़ आ गई और इधर दोनों रास्ते ब्लॉक हो गए, जिसके चलते हुए धक्का मुक्की और वहां भगदड़ हुई, भगदड़ के कारण ही ये हादसा हुआ। जी धनीराम, सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है, 8 लोगों के दम घुटने से बेहोश होने की भी खबर है, इसको लेके आपके पास क्या जानकारी? जी जी, जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए, जो दम घोटा है उनका, जिसमें 2 लोगों की ये मौत हुई, एक 55 वर्ष की महिला थी और एक 63 वर्ष की थे जो जबलपुर के थे, इनकी उनकी वहाँ अस्पताल ले जाते हुए ही ये से मौत हो गई, क्योंकि उनका काफी करीब 15-20 मिनट के बाद में एम्बुलेंस पहुंची और जब तक ये वो अस्पताल पहुंचाए उससे पहले ही उन्होंने वहाँ दम तोड़ दिया, परंतु जो घायल हुए हैं उनका जिला अस्पताल में और वहाँ संयुक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी जी ने भी उनका दुख जताया है कि इस तरीके की ये इस जन्माष्टमी के मौके पर और ये दुख दर्द वाली ये सूचना मिली है उनको, उन्होंने बड़ा दुख, गहरा दुख भी किया है। वैसे भी कल की अगर हम बात करें तो कल सीएम योगी जी आए, उस वक्त दोपहर का समय था और श्रद्धालुओं को एक रास्ते से रोक दिया, जहां श्रद्धालुओं का भी दोपहर को किसी भी जन्म स्थान पर भी स्थिति यही हो गई थी कि गर्मी के कारण लोग व्याकुल हो गए थे और कई श्रद्धालु तो ऐसे थे कि वहाँ जहाँ पुलिस ने जब रोका था तो उनको रास्ते में गिर पड़े और वहाँ उनके जो साथी थे उन्होंने उठाया और उनको पानी वानी पिलाया, परंतु कुछ श्रद्धालुओं ने इस बात का भी रोक किया कि VIP मूवमेंट ऐसे फेस्टिवलों पर नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये कानून बने जिससे कि या फिर पहले आए या बाद में आए, क्योंकि जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और इस तरीके से कृष्ण की नगरी में ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। जी जाहिर सी बात है धनीराम, लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था होती है और इतनी बड़ी हजूम में अगर लोगों का दम घुटता है और इतना दिक्कतें महसूस, जाहिर सी बात होती है पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी कोशिश करी होगी इसको बनाए रखने के लिए। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए धनीराम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही जन्माष्टमी का त्यौहार देश और प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं पूरे प्रदेश भर में जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकियाँ भी दिखाई गईं। इसके साथ ही आगरा के जिला महिला बैरक जेल में भी महिला कैदियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर जन्माष्टमी को मनाया।
जैसा कि आप ये छह तस्वीरें हमारे सामने देख आप अपने सामने देख रहे हैं, मथुरा, लखनऊ, शाहजहांपुर, मऊ, अम्बेडकर नगर, सोनभद्र की, कितने भव्य तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का ये महोत्सव मनाया गया है। छोटे छोटे बाल रूपों में कृष्ण की झांकियां निकाल रहे हैं और खुद भी कृष्ण की झांकियों को कृष्ण के साथ सज्जा के साथ वो बच्चे बाल रूप में श्री कृष्ण जी को प्रदर्शित कर रहे हैं। मथुरा से ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको भगवान श्री कृष्ण का दिखाई दे रहा है। पांच हजार 249 वर्ष पूर्व जयी मथुरा की भूमि में, अब तो जाकर रूप बदल गए होए, लेकिन मथुरा में जो कंस को कारागार है वहां पे हमारे लाला ने अवतार लियो जगत को पिता, और यदि बेटा बन के आवे तो फिर उत्सव ना हो तो और कहा हो गो, और बाकी बाद में तो अब यहाँ पे सबने ब्रजवासी अपने प्राण धन के दर्शन करवे के ताई लाल आए थे हैं। या लिए आपके चैनल के माध्यम से सबन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई, आनंद नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की तैयारियाँ बहुत भव्य और दिव्य चल ही रही हैं बृहद रूप से। इस बार हम सभी लोग जो है, विगत दो वर्षों से जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें कुछ कमी आ रही थी, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग बहुत पहले से ही लगे हुए, महीनों पहले लगे हुए हैं तैयारियां करने में, सावन के महीने से लगे हुए हैं, और बहुत भव्य दिव्य तैयारियां आप देख रहे होंगे आज जो उसका परिणाम है। और जन्माष्टमी जो है आज के मतलब भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी क्षेत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए परंपरागत हम सभी लोग इसको मनाते। मैनपुरी में विकास खंड जागीर क्षेत्र के कुसुमरा मैनपुरी मार्ग के पास एलाऊ गांव के स्टार क्रिकेटर क्लब की तरफ से नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रेस क्लब के सचिव वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्र ने फीता काटकर किया। जानकारी के मुताबिक इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जनपदीय स्तर 16 टीमें भाग ले रही हैं। खेल का आयोजन 10 दिन किया जाएगा और प्रथम विजेता को 21,000 नकद पुरस्कार और शील्ड, दूसरे नंबर पर आने वाले को 11,000 नकद और शील्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में कृष्णानगर थाने में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भगवत कथा का भी आयोजन किया गया। पूरा थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ सभी लोग भक्ति में रमे हुए थे और भक्ति गानों पर झूमते हुए दिखाई दिए। प्रयागराज में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिले के कई थानों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसका आनंद उठाते हुए सभी भक्तों ने खूब आनंद किया। जानकारी के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, इसीलिए कारागार में बंद कैदियों ने झांकियां बनाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और बाल रूप को दौरान घटी घटनाओं को भी दर्शाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय कारागार में इस तमाम तरह की यहाँ पे झांकियाँ सजाई गई हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो कारागार का और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक बहुत ही खास नाता है। किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, किस तरीके से झांकियाँ बनाई गई हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक पी एन पांडे जी हैं। सर, आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। किस तरीके से आज यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है, चूँकि अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण का जो है कारागार से बहुत ही खास नाता रहा है, किस तरीके के यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं? आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने खुद ही बोला है कि कारागार से भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा संबंध है। उनका जन्म कारागार में ही हुआ था और सारी बेड़ियाँ तोड़ दिया था उन्होंने, और जनता और पूरे अपने तत्समय के समाज के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया था। बंदीगढ़ बहुत ही उत्साहित हैं, और आपने देखा होगा परस्पर अलग अलग चक्रों में बंदियों के बीच में प्रतिस्पर्धा है झांकियाँ सजाने में। पूरे मनोयोग और श्रद्धा भक्ति के भाव से, समर्पण के भाव से बंदियों ने झांकियाँ सजाई हैं। कारागार प्रशासन ने भी उन्हें इस मामले में मदद दिया है, और आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो सकारात्मक चीज़ है और उनका जो उसमें शामिल होते हैं हमारे बंदी पॉजिटिव वर्क्स में, वो बाहर समाज तक पहुँचे। सर, यहाँ पे आप लोगों ने ट्रॉफियाँ भी रखी हैं, किस तरह के यहाँ पे कुछ प्रतियोगिता का आयोजन है, किस तरह का प्रतियोगिता है और किस तरीके से आप यहाँ पे कर रहे हो? हमारे मुख्य कारागार विभिन्न चक्रों में विभाजित है, हर चक्रों में झांकियाँ निकाली गई हैं, और यह हम लोगों ने उनको कहा है कि जो सबसे अच्छी झांकी जिनकी रहेगी उन्हें प्रथम पुरस्कार, फिर द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। श्रम सबने किया है, पुरस्कार जितना अलग बात है, लेकिन बहुत ही उत्साह के साथ बंदियों ने अपने समय को सकारात्मक रूप से यहाँ पे गुजारा है और उस इन सब कामों में लगे हुए हैं,
ये प्रशंसनीय बात है। तो ये तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज के केंद्रीय कारागार नैनी की, जिस तरीके से कहा जाता है कि कारागार से भगवान श्री कृष्ण का एक खास गहरा रिश्ता है। तो आज यहाँ कारागार में विभिन्न प्रकार की झांकियाँ सजाई गई हैं और जेल प्रशासन द्वारा जो बेहतरीन झांकी सजाई गई है उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।